से हम लोग इसमें यूपीपीसीएस 2022 जिसका एग्ज़ाम 12 जून को है उसके लिए करंट अफेयर्स को फोकस करते हुए हम आपको 500 इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स देंगे जो लगभग सभी एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट होंगी। हमारा मेनली फोकस उसमें यूपीपीसीएस होगा, लेखपाल, पुलिस और जितने भी अन्य एक दिवसीय एग्ज़ाम होते हैं या हम कहें वनडे एग्ज़ाम होते हैं उन सभी को हम टारगेट कर रहे हैं। ठीक है, इसमें हम कुछ इश्यूज भी समझाएंगे और आपको फैक्चुअल करंट अफेयर्स पर, हालांकि मेंस ओरिएंटेड नहीं होगा लेकिन अगर उन न्यू इन्फॉर्मेशन को आप मेंस में यूज करने की कैपेबिलिटी रखते हैं तो उन्हें आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे हम पहली न्यूज आपको बता रहे हैं, फॉकलैंड द्वीप को लेकर एक विवाद चल रहा है। तो हमारे लिए पेपर में क्या इंपॉर्टेंट है, इसकी लोकेशन, स्थिति क्या है। ठीक, तो ये स्थिति क्या हम बताएंगे, ये दक्षिणी अटलांटिक में, दक्षिणी अटलांटिक महासागर में स्थित है। फिर हमसे पूछा जाएगा कि किसके बीच बीच में विवाद हो रहा है, तो हमें पता है ये यूके और यूनाइटेड किंगडम और अर्जेंटीना के बीच में विवाद है, अर्जेंटीना के बीच में। हो सकता है हमसे पूछ ले कि इसकी कैपिटल क्या है, तो इस्टेनेल इसकी कैपिटल है, राजधानी क्या है इसकी, इस्टेनेल। ठीक है, और अब हम कुछ बताते हैं इस पर क्या क्यों विवाद हुआ। अभी चीन ने ये बोल दिया, चीन के राष्ट्रपति ने, कि हम यूके की सॉरी हम अर्जेंटीना की संप्रभुता को समर्थन कर रहे हैं। ठीक, मीन्स ये कहा कि फॉकलैंड द्वीप पर अर्जेंटीना का अधिकार है। किसका अधिकार है, अर्जेंटीना का। इसी को लेकर दो गुटों में देश बट गए, यूके और वो। तो हम इसके कुछ हिस्टोरिकल प्रोस्पेक्ट भी बताते हैं जहां से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। 1833 एक बहुत इंपॉर्टेंट ईयर है क्योंकि यूके ने अवैध रूप से इस पर कब्जा 1833 में ही किया था, मीन्स अर्जेंटीना से यूके ने इस पर कब्जा कब किया, 1833 में। फिर 1965 भी इसमें बहुत इंपॉर्टेंट ईयर है क्योंकि यूएन महासभा में इसे लेकर एक प्रस्ताव पारित हुआ। कहां पारित हुआ, यूएन महासभा में, और उस संकल्प प्रस्ताव का नाम था 2065। उसमें यह निर्णय दिया गया कि ये विवाद आपसी समझौते से सुलझा लें और इस प्रस्ताव को बाध्यकारी भी नहीं बनाया गया। तो हमसे पूछा जा सकता है कि संकल्प संख्या कौन सी थी, तो 2065 थी। कब पारित हुआ था, 1965 में। और एक युद्ध भी हुआ जिसे फॉकलैंड युद्ध कहते हैं, वो कब हुआ, 1982 में हुआ। कब हुआ, 1982 में हुआ। तो फॉकलैंड युद्ध क्या था, समझ, उसमें यूनाइटेड किंगडम जीता, मतलब फॉकलैंड पर अधिकार करने को लेकर युद्ध हुआ था। फिर एक बात, यहां से हमने सब कुछ बताया, हिस्टोरिकल प्रोस्पेक्ट भी आपको समझा दिया, इसकी स्थिति क्या है, किनके बीच में विवादित है, और हमने बताया इसकी कैपिटल क्या है। ठीक, एक फैक्ट और पूछा जा सकता है, अगर है इसका एक और नाम से इसे जानते हैं, मालवी नाश द्वीप के नाम से। अगर कभी मान लीजिए ऑप्शन में ये ना दिया गया हो तो क्या नाम दिया जाएगा, मालवी नाश द्वीप। एक्चुअली फॉकलैंड एक द्वीपों का समूह है और उसी में से मालवी नाश एक मुख्य द्वीप है, उसी के नाम से कभी कभी इसे मालवी नाश द्वीप के नाम से भी जाना जाता है। इतनी इंफॉर्मेशन आपके लिए फॉकलैंड द्वीप के बारे में इंपॉर्टेंट है जो प्री ओरिएंटेड और हम कहें कि मेंस प्रोस्पेक्टेड भी चीजों को कवर कर सकता है। मैंने बताया क्यों न्यूज में आया, ये बात आपको समझा दी। अब दूसरी एक हम रिपोर्ट डिस्कस करने जा रहे हैं, फ्रंटियर रिपोर्ट। रिपोर्ट का नाम क्या है, दूसरी हमारी इंपॉर्टेंट न्यूज है फ्रंटियर रिपोर्ट, फ्रंटियर रिपोर्ट। दो बातें पूछी जाती हैं कि कौन जारी करता है, तो ऑर्गेनाइजेशन का नाम है यूएनईपी, कौन जारी करेगा, यूएनईपी। पूछा जाता है किससे संबंधित है ये, तो संबंधित जो ये है वो पर्यावरणीय समस्याओं से है, पर्यावरणीय समस्याओं। अब समझिए क्या बताया गया, कहा गया है कि पर्यावरणीय समस्याएं निरंतर बढ़ रही हैं, उसमें कहा जलवायु परिवर्तन हो रहा है जिससे पादपों का और पशुओं के जीवन चक्र में भी परिवर्तन आ रहा है, ध्वनि प्रदूषण को इसमें वो किया गया है। और इसलिए जब ये रिपोर्ट जारी की गई तो उसने इसका नाम रखा, शॉर्ट में एनबीएम से याद रखते हैं, एनबीएम मीन्स है नॉइज, क्या नाम है इनसे, नॉइज, ब्लेजिस, ब्लेजिस एंड मिसमैच, मिसमैच। तो इस रिपोर्ट का अगर ये भी पूछे जा सकता है कि फ्रंटियर रिपोर्ट इस बार किस नाम से जारी की गई है, नॉइज, ब्लेजिस और मिसमैच नाम से जारी की गई। ठीक,
और मैंने बताया किसने जारी की, यूएनएपी ने। वार्षिक रिपोर्ट है ये, कब की रिपोर्ट बोली जाएगी, 2022 की रिपोर्ट। यही प्रश्न पूछा जा चुका, किससे संबंधित रिपोर्ट होती है फ्रंटियर, तो पर्यावरणीय मुद्दों से संबंधित रिपोर्ट होती है जो हर देश का क्षेत्र वाइज आकलन देती है। ठीक है, तो हमने दो इंपॉर्टेंट न्यूज आपको बताई, फ्रंटियर रिपोर्ट बता दी। अब तीसरी जो इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है, हमें समझाना है वैश्विक वैश्विक नवाचार नवाचार सूचकांक, मीन्स है ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स GII। हमसे सबसे पहले पूछा जाता है कौन जारी करता है, तो देखिए पहले कौन जारी करता है ये समझे। इसे वैश्विक हम बोले बौद्धिक संपदा केंद्र जारी करता है। मैंने क्या बताया, वैश्विक बौद्धिक संपदा केंद्र, इंग्लिश में हम क्या कहेंगे, ग्लोबल ठीक इंटेलेक्चुअल ठीक प्रॉपर्टी और सेंटर, ये जारी करता है। ठीक, दूसरी हमसे पूछा जाए कि इसमें हमने बहुत बड़ा अचीवमेंट पाया है, 132 देशों में हमारी रैंक 46 हो गई, क्योंकि पिछली बार 81 थी, मीन्स बहुत बड़ा ग्रोथ है। हमसे बस इतना ही पूछा जाता है कौन जारी करता है, और दूसरा हमारा इंडेक्स कितना है, तो 46 आया। अब एक हमसे और पूछा जा सकता है, इसी तरीके से भारतीय नवाचार रिपोर्ट एक आती है, ये हमें जान लेनी चाहिए, भारतीय नवाचार रिपोर्ट, ये पूछा भी जा चुका है पेपर में। अब ये नीति आयोग ने 2019 से जारी करना शुरू किया, कब से, कौन जारी करता है, सबसे पहले तो यही पूछा जाएगा, नीति आयोग। पहला संस्करण इसका कब आया था, 2019 में, पहला कब आया 2019 में, तो दूसरा कब आया 2021 में, मींस अभी नहीं आएगा, अब ये जनवरी 2021 का है, लेकिन पूछा जाएगा कारण। और इसमें किसने टॉप किया अगर कोई पूछ ले, तो कर्नाटक ने टॉप किया, सेकंड नंबर महाराष्ट्र है, और थर्ड नंबर पर आप देखें कर्नाटक ने टॉप किया, फिर क्या है महाराष्ट्र है, फिर तेलंगाना है, तो हमें टॉप का याद रखना है कर्नाटक और महाराष्ट्र, बात समझ। एक चीज और समझ लीजिए इसी में भारतीय नवाचार में, इसमें पांच इंडेक्स लिए जाते हैं, पूछ चुका है यूपीएससी। जैसे पहला क्या ले, मानव पूंजी में देखा जाता है इन्वेस्टमेंट किसने कैसे किया, दूसरा देखा जाता ज्ञान कार्यकर्ता कैसे हैं, ये केवल सुन ले आप याद हो जाएगा, और आप तीसरे अगर हम देखें तो उसमें यह देखा जाता है कि नवाचार किस स्टेट ने कितना किया, और फिर ये देखा जाता है कि परस्पर सहयोग कितना है, इस तरीके की कुछ चीजें देखी जाती है। तो हमें केवल दो चीजें बहुत याद रखना कि कौन जारी करता है, नीति आयोग जारी करता है, और ये क्या कब से शुरू किया गया है 2019 से, इसका दूसरा संस्करण कब आया 2021 में, कारण क्या है वैश्विक नवाचार से रिलेटेड, क्योंकि इसमें स्टेट की प्रतिस्पर्धा देखी जाती है, राज्यों में कौन किसमें कितना इनोवेशन कर रहा है। एक वैश्विक बौद्धिक संपदा सूचकांक चल रहा है, वैश्विक बौद्धिक संपदा सूचकांक, वैश्विक बौद्धिक संपदा सूचकांक 2022 पूछा जाए कौन जारी करता है, यूएस चैंबर्स ऑफ कॉमर्स, कौन जारी करेगा, यूएस चैंबर्स ऑफ कॉमर्स इसने जारी किया। ठीक है, दूसरा हमसे पूछा जाए कि टॉप किसने किया, यूएस ने किया, दूसरे यूएसए ने, दूसरे नंबर पर कौन है यूके, तीसरे नंबर पर कौन है जर्मनी, भारत की स्थिति क्या है, भारत की स्थिति खराब हुई है, 43वां स्थान हमने पाया है 55 देशों में, इंडिया की रैंक कितनी है 43, इंडिया की रैंक कौन सी आई है, भारत ने इससे पहले 40वां स्थान पाया था, पिछले वर्ष इसका कितना था 40वां, मींस नकारात्मक प्रभाव पड़ा है, बात समझ पा रहे। तो ये मैंने तुम्हें तीन इंडेक्स बताया, वैश्विक बौद्धिक संपदा बताया, भारतीय नवाचार बताया, और वैश्विक नवाचार सूचकांक बताया, फॉकलैंड रिपोर्ट बताई, फ्रंटियर रिपोर्ट बताई। कुछ वन लाइनर न्यूज भी पूछी जा रही है, उनके बारे में हम डिस्कस करते हैं। जैसे एक टर्म बहुत ज्यादा चर्चा में है, कथकली, कथकली कोप्यू, टर्म क्या है कथकली कोप्यू, हम जानते हैं कथकली एक नृत्य है, कहां का है केरल का है, कहां का है केरल का, इसे राजा तारण रूप ने 7वीं सदी में शुरू कराया था, राजा का नाम क्या है तारण रूप, कब शुरू कराया था 7वीं सदी। एक बात और याद रखिए, ये कैसा नृत्य है, ये शास्त्रीय नृत्य है, और कहते हैं कितनी कथाओं पर व्याप्त है 101,
जैसे इसमें कीचक वध, भीम, ये जो पौराणिक कथाएं हैं उन पर किया जाता, और ये मूक अभिनय होता है इसमें, मतलब इसमें कोई संगीत अंगीत नहीं, मूक अभिनय किया जाता है। जो डांस करता है वो संगीत गाता नहीं, बात समझ पा रहे? तो ये समझने वाली बात है। फिर हमने कथकली की बात, तो कथकली कोप्पू क्या है? इस दौरान जो वो लोग पहनते हैं, पहनावा इनका जो है, पहनावा जैसे मुखौटा की बात हम करें, जो अन्य आभूषण पहनते हैं वो उनकी बात करें, तो ये सब जो है वो क्या कहलाते हैं? कथकली कोप्पू। इसका आकार इस बार उन्होंने बहुत छोटा कर दिया, जिसकी वजह से बड़ा चर्चा में आ गया कथकली कोप्पू। ठीक है, तो हमें क्या समझना है? कथकली एक शास्त्रीय नृत्य है, कहाँ का? केरल का है, और कितने कहानियों पर व्याप्त है? 101 कहानियों पर व्याप्त है। और कैसा अभिनय? मूक अभिनय है, मीन्स जो डांस करता है वो सामान्यता गाता नहीं है, संगीत नहीं गाता, केवल हाव भाव से इस कहानियों को क्या करता है? प्रदर्शित करता है। इसकी एक बात और आपको हम बता दें, ये रात्रि में किया जाता है और सूर्य उदय से पहले तक किया जाता है। जानकारी के लिए कथकली की बेसिस पर कहें तो हम तो ये कथकली की कथकली कोप्पू बड़ा चर्चा में चल रहा था। एक अभी चल रहा है न्यूज में, गंगा ऑपरेशन। गंगा ऑपरेशन पूछा जाएगा कि गंगा ऑपरेशन क्या है? हम जानते हैं कि यूक्रेन और रशिया का युद्ध चल रहा है, तो हमारे जो भारतीय लोग वहां फंसे हुए हैं उन भारतीयों को नागरिक उड्डयन मंत्रालय जो है उसने वहां से वापस लाने के लिए जो ऑपरेशन चलाया है उसी को नाम दिया गया गंगा ऑपरेशन। बस समझ रहे? तो गंगा ऑपरेशन किसका है? नागरिक उड्डयन मंत्रालय का है। किसे लाने के लिए? यूक्रेन से भारतीय नागरिकों को भारत वापस या घर वापसी के लिए ये मतलब ऑपरेशन चलाया जा रहा है। ठीक है, तो ये हमने क्या आपको बताई? वन लाइनर न्यूज है यहां पर। इसी तरीके से एक योजना चल रही, स्मार्ट अप अनुदान। ये केवल इतना ही पूछा जाएगा, स्मार्ट अप अनुदान किसकी है? तो HDFC की है। किसका सहयोग चल रहा है? HDFC का। ठीक, इसी तरीके से एक चल रहा है स्वावलंबन, स्वावलंबन। ठीक है, सशक्तिकरण, सशक्तिकरण अभियान। हमसे दो बातें पूछी जाएंगी कि स्वावलंबन सशक्तिकरण अभियान क्या है? ये महिला उद्यमियों का समूह है जो PNB और IOC चला रहे हैं। कौन चला रहा है? PNB और IOC चला रहा है। बात समझ में? तो मैंने क्या आपको बताया? गंगा ऑपरेशन किसके लिए है? यूक्रेन से भारतीय नागरिकों को वापस लाने के लिए। स्मार्टअप अनुदान किसका है? HDFC का है। और ये हमें स्वावलंबन शक्ति किसके? महिला उद्यमियों का है और PNB और IOC का है। ये बातें सबको समझ आ रही? और अगर हम कुछ बातें करें इसमें तो देखिए, एक प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना ये चल रही है, प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना। पूछा जा सकता है कि ये क्यों चर्चा में है? एक्चुअली इसने 1.71 करोड़ लोगों को कवर कर लिया है, ये इसलिए चर्चा में है। सरकार के आंकड़ों के अनुसार इसने रिकॉर्ड तोड़ कितने लोगों को कवर किया है? 1.71 करोड़ लोगों को। अब ये पूछा जा सकता है, ये देखिए पहली बात तो महिलाओं के लिए है, तो कौन मंत्रालय होगा इसमें? महिला एवं बाल विकास कल्याण मंत्रालय। तो यानी क्या है कि फीमेल्स का ही यहाँ पर मंत्रालय है, तो हम कहेंगे महिला एवं बाल विकास कल्याण मंत्रालय द्वारा ये संचालित है, इसका मंत्रालय ही पूछा जाएगा। ठीक है, तो ये इतनी न्यूज हमने बताई है संक्षेप में। ठीक है, अगर आपको सबको ठीक लगे तो आप इसमें बताइएगा और इस सीरीज को हम कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, आपकी कमेंट का हम इंतजार करेंगे। तो हम कोशिश करेंगे कि इसमें बहुत कम समय में आपकी करंट अफेयर्स के बोझ को हम कम कर दें और सभी इंपॉर्टेंट न्यूज ही हम लेकर आएंगे, कुछ डिटेल कॉन्सेप्ट भी लेकर आएंगे जो आपके मेंस में भी आपको मदद करें। और सामान्यतः हम कोशिश ये कर रहे हैं कि हम वन लाइनर सेगमेंट वाइज भी लेकर आएं, पहले इस सीरीज को कवर करने के बाद हम सब्जेक्ट वाइज भी कुछ करंट अफेयर्स लेकर आएंगे, जो उसमें आपको स्टेटिक पोर्शन को भी कवर किया जाएगा। ठीक है, तो आज इसमें इतने रखते हैं।